डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं जो बूलियन एलजेब्रा है उसके नियम क्या क्या होते हैं, जो आपका सिंप्लीफिकेशन करोगे आके तो उसमें बहुत यूज होने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा। एक तो आपका विनिमय का नियम, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एंड और एक इनवर्टर। तो पहला देखते हैं, पहला देखो, क्योंकि इससे पहले आप गेट कंप्लीट कर चुके हो तो पहला गेट पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सा था आपका बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और ड्राइव गेट, वो तीनों कंप्लीट करा चुके हैं, आज ये स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्या है, हेटिव लॉ, है ना। तो इसमें क्या होता है आपका ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, या फिर ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये नियम ये कहता है, ठीक है। तो अगर इसे आप किसे गेट से सिंप्लीफाई करना चाहो, गेट से अगर देखना चाहो, तो गेट क्या है, पहला पहला देखो ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो इनपुट कौन कौन सा आपका ए बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको ए डॉट बी, बात सही है। दूसरा इसके बराबर क्या है, दो इनपुट कौन कौन से आपके बी ए, तो अगर इसके साथ भी आप एंड गेट लगा दोगे तो आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा, बी डॉट ए, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी किस गेट में आता है आपका, और गेट में, ठीक है। तो और गेट लगा दो, और कितना ए प्लस बी, तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको ए प्लस बी, है ना। इसके बराबर देखो, बराबर कौन सा होगा, बी प्लस ए, तो बी प्लस ए में फिर और गेट लगाओ, बी और ए, आउटपुट क्या मिलेगा आपको बी प्लस ए, यानी कि ये नियम इसमें आपको अगर कहीं आता है तो उसे इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड, तो सेकंड कैसा कौन सा है, एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ए डॉट बी या डॉट सी भी लिख सकते हो इसे, अगर इसका नियम क्या होता है, दूसरा ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो इससे अब दूसरा ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो गेट से समझते हैं, तो गेट से क्या होता है, गेट से देखिए पहला क्या है, पहला ए ए डॉट बी चाहिए हमको, क्या चाहिए ए डॉट बी, तो यहां से आप क्या लगाओगे ए डॉट बी, तो ए बी, तो आउटपुट कितना मिलेगा ए डॉट बी। अब ये आउटपुट कितना है, आउटपुट इसके साथ मुझे एक एंड गेट और लगाना है, क्योंकि इसे अगर पूरे को बी मानूं तो बी डॉट सी बन जाएगा, तो अब क्या चाहिए आपको एक गेट और चाहिए, तो गेट के साथ आप क्या करोगे एंड गेट लगाओगे, और यहां क्या रखोगे आप इनपुट सी, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा ए डॉट बी ब्रेकेट डॉट सी, क्लियर। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है इसके बराबर, अब कौन सा चाहिए आपको b डॉट c, तो आपके पास कौन कौन सा इनपुट है, ये दो इनपुट है आपके पास b c, तो अगर एंड गेट लगा दोगे एंड गेट तो क्या मिलेगा आपको b डॉट c, अगर b डॉट के ये आपका एक इनपुट हो और एक इनपुट ये हो, तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे, एक इनपुट कौन सा लगा दोगे आपका a का लगा दोगे, तो क्या मिलेगा आपको बोलो भाई, क्या मिलेगा a डॉट b डॉट सी, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपके पास a प्लस बी, तो यहां से कौन सा गेट है आपका a प्लस बी, और गेट में आता किसमें, और गेट में, तो और गेट यहां लगाओ, और गेट क्या होगा देखो a b, तो आपके पास आउटपुट कितना मिलेगा बोलो भाई a प्लस बी मिलने के बाद अब आपको क्या चाहिए, सी भी चाहिए, तो C के साथ एक और गेट लगा सकता हूं ना, तो एक और गेट लगाओगे तो आपके पास देखो सर्किट कैसा मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का, तो ये क्या होगा आपका C, तो इसे क्या लिख सकते हो, ये ब्रैकेट A प्लस B प्लस C, ठीक है।
अब इसी के दूसरा अगर हम ये देखना चाहें तो क्या लिखोगे, देखो इसके साथ दो इनपुट कौन कौन से, बी सी, ठीक है, इसके साथ कौन सा लगा दो आपका ओर गेट, ओर गेट लगाओगे तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, अगर इसी के साथ एक ओर गेट और लगा दोगे, एक ओर गेट, तो ओर गेट लगाने के बाद कौन सा इनपुट होगा, ए, कौन सा ए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस, क्या मिलेगा बोलो, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद तीसरा नियम देखते हैं, इसे साफ करते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका तीसरा, ठीक है, कौन सा आपका तीसरा, तो तीसरा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, तो ये क्या होता है आपका ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हो। अब इसका सर्किट डायग्राम देखोगे तो सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हो, सर्किट से लॉजिक सर्किट से कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ए डॉट बी, तो पहले क्या चाहिए आपको, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का साथ क्या बना दो, ओर गेट, क्या बनाओ, ओर गेट, कितना, बी प्लस सी, तो आउटपुट कितना मिलेगा आपके पास, बी प्लस सी। अब क्या चाहिए, अगर ये इनपुट बी हो, है ना, एक इनपुट ये हो, तो ये क्या मिल रहा है, एंड गेट मिल रहा, तो इसके साथ क्या लगा सकता हूं मैं, एंड गेट, तो अब इनपुट कितना है आपका, ए, तो ए के साथ आप एंड गेट लगा दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी, क्योंकि एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ए प्लस कौन सा है आपका, ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए पहले चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए आपका दो इनपुट है आपके, कौन कौन से, a b, तो आपको कौन कौन सा, एंड गेट लगाओ, तो एंड गेट लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, a डॉट b, a डॉट b, फिर उसके साथ आपको चाहिए a डॉट c भी चाहिए, तो एक एंड गेट और चाहिए, तो एक एंड गेट और आएगा, तो आपको इनपुट a यहां से मिल जाएगा और एक इनपुट और चाहिए आपको, कौन सा, c, तो c लिया गया, तो कितना मिलेगा यहां, क्या है, a, तो आउटपुट कितना मिलेगा, ए डॉट सी, ए डॉट सी, ठीक है। तो उसके साथ यहां अगर आप ओर गेट लगा देते हो, कौन सा, ओर गेट, क्योंकि ए प्लस बी हो रहा, ये अगर ए मानो ये बी मानो तो ए प्लस बी हो रहा, तो इसके साथ अगर ओर गेट लगा दोगे तो कितना मिलेगा आपको, बोलो भाई कितना मिलेगा, ये मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इतना क्लियर हुआ, ए डॉट सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका, एंड, तो इसके बाद कौन सा आता है नेक्स्ट, एंड, तो एंड देखते हैं, ए एंड बी एंड, ठीक है, तो कितना होता है, ए डॉट जीरो, ए डॉट वन, ए डॉट ए और ए डॉट ए बार, है ना, तो अगर इसका आउटपुट देखो तो जीरो मिलेगा और ये आपका ए मिलेगा और ये आपका ए और ये आपका जीरो, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट कौन सा है, और, तो और लिखते हैं, और, है ना, तो कितना होगा, ए प्लस बी, वो ए प्लस जीरो, ए प्लस वन और ए प्लस, ए प्लस ए और ए प्लस ए बार, तो इसका और इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए, फिर ए प्लस वन वन, ए ए आपका क्या होगा, ए और ए प्लस ए बार क्या होगा आपका, वन, कितना होगा, वन। देखो अगर देखो यही ए एक एक की गुणा करोगे, ए के साथ इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ए ही मिलेगा ना। दूसरा अगर ए प्लस वन है, ए प्लस वन है, तो अगर ए की जगह देखो अगर ए प्लस वन है,
तो अगर a बराबर क्या रख सकते हो, दो ही कंडीशन हो सकती है, एक ही, एक तो a बराबर जीरो हो सकता है या फिर a बराबर वन हो सकता है। अगर a बराबर आप जीरो रखोगे तो, जीरो रखोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस वन, तो कितना मिलेगा वन। दूसरी कंडीशन में a बराबर अगर वन रखते हो, कितना रखते हो वन, तो वन प्लस वन क्या मिलेगा आपको, वन क्या मिलेगा, यानी कि a ही आ रहा हर बार में, कितना आ रहा है a, ठीक है। तो कितना होगा आपका ये वन, कितना होगा वन, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस a और a प्लस a बार कितना होगा वन, ये आपको नोट्स बना लेना। तीसरा आपका कौन सा है, इनवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट भी देखते हैं आप, नेक्स्ट देखिए ये क्या होता है आपका, a डबल बार, a डबल बार क्या मिलता है आपका, a बार क्या मिलता है, a, क्यों, देखिए a की कितनी कंडीशन होंगी आपकी, एक की कितनी कंडीशन होंगी, जीरो या वन होगा, जीरो या वन होगा, तो जीरो या वन होगा तो आप क्या कर सकते हो, ए बराबर अगर आप जीरो रखते हो, क्या रखते हो जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, उल्टा अगर ए बार है, देखो ए बराबर वन, तो अगर ए बार बराबर चाहिए तो कितना होगा वन, कितना चाहिए वन, अगर इसका फिर डबल बार चाहिए तो इसका बार चाहिए तो डबल बार जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या मिलेगा आपको ए, ठीक है, जो ए की कंडीशन थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अदर रूल, अदर रूल में कितने अदर नियम भी आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो a प्लस ए बी बराबर भी कितना होता है a, कितना होता है a, हम प्रूफ करेंगे कैसे होता है। दूसरा होता है आपका a प्लस a बार, कितना मिलेगा आपका a प्लस b। तीसरा होता है आपका a प्लस b, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी बराबर कितना होता है ए प्लस बी सी, है ना, तो ए बी सी, तो ये हम प्रूफ करने वाले हैं। अगर कहीं आपको इस तरीके से मिल जाए तो उसकी जगह भी हम डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला देखिए, पहला क्या है आपका a प्लस ए बी बराबर a, तो इसकी अलग साइड ले लो, है ना, एलेट साइड लोगे तो कितना आएगा a प्लस ए बी, तो इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा वन प्लस बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी किसकी है, और गेट की, यानी कि और लॉ की। तो यहाँ लगा दो a प्लस बी बराबर होता है आपका वन, कितना होता है वन, तो यहाँ से किससे, और से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a डॉट वन, कितना आ जाएगा a डॉट वन, और a डॉट वन किसका आता है एंड गेट का, किसका एंड गेट का, तो एंड गेट में a डॉट वन क्या होता है आपका a, कितना होता है a, तो आउटपुट कितना मिलेगा ये आपका आरक साइड a, ठीक है, इतना समझ आया। दूसरा हम देखते हैं a प्लस b, तो a प्लस b नेक्स्ट इसकी एलएच साइड ले लीजिए, एलएच साइड क्या लोगे a प्लस ए बी, है ना। तो अगर अब इस a की जगह, a की जगह आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो ना ये वाला, तो यहां रखो तो कितना आएगा, यहां से अलग साइड एक ही जगह रख, एक ही जगह ए, यहां से लिख दी चूंकि ए बराबर, ए बराबर ए प्लस ए बी, क्यों, अभी मैंने प्रूफ करा, अभी मैंने प्रूफ करा, तो इसकी जगह लिख दो ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, है ना। तो इसकी जगह से अब यहां से ये कॉमन आ जाएगा बी, तो यहां देखो ए बराबर ए प्लस, तो ए यहां क्या बचेगा बी कॉमन ले लो, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार किसमें है आपका, और में, किसमें है और में, तो ए प्लस ए बार यहां से चूंकि मैं लिखिए, चूंकि मैं ए प्लस ए बार कितना होता है आपका वन, कितना होता है वन, तो क्या मिलेगा ए प्लस बी डॉट डॉट कितना मिलेगा आपको वन, और ये किसका होता है एंड गेट का, तो एंड गेट का बी डॉट ए कितना होता है आपका वन, तो क्या लिख सकते हो ए प्लस बी, यानी कि आर एच साइड, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, तीसरा, तीसरा कौन सा है आपका, ये वाला, थर्ड। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड को प्रूफ करते हैं, तो थर्ड कौन सा है आपका, इसकी एलएच साइड ले लो, एलएच साइड क्या होगी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, है ना। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हो, है ना,
तो लगाओगे कितना होगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए फिर इसकी इसके साथ फिर ए डॉट सी फिर बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए फिर प्लस इससे बी के साथ तो बी के साथ करोगे तो बी डॉट सी। अब देखो ए डॉट ए क्या होता है एंड प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी एंड ए डॉट ए होता है हमेशा ए ए डॉट ए क्या मिलता है आपको ए तो इसकी जगह क्या रख सकते हो ए फिर क्या मिलेगा आपको प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब देखो अगर यहां से आप कॉमन ले लो क्या कॉमन ले लो ए कॉमन ले लो तो ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा वन प्लस सी यहाँ क्या बी प्लस डॉट ए बी प्लस सी ठीक है हमें बी सी रखना है तो बी सी यही रहेगा। अब इसके बाद और गेट में और प्रॉपर्टी में क्या रहता है ए प्लस वन क्या रहता है हमेशा वन क्या रहता है वन तो इसके साथ और प्रॉपर्टी लगा दो तो ए डॉट ए इसकी जगह क्या रहेगा वन क्योंकि ए प्लस वन क्या मिलता है हमेशा वन ठीक है। फिर क्या बचेगा आपका बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए फिर प्लस बी डॉट सी अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ जाएगा ए कॉमन लोगे तो कितना बचेगा वन प्लस बी और प्लस बी डॉट सी वन प्लस बी कितना होता है वन प्लस बी हम कितना होता है वन वन प्लस ए यानी कि ये हो तो कितना मिलेगा वन तो ए डॉट वन प्लस बी डॉट सी तो कितना आ जाएगा आंसर ए प्लस बी डॉट सी और हमें प्रूफ भी की यही करना तो आर एच साइड कितनी आ जाएगी ठीक है तो इतना समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।